दोस्तों आपने मूवीज वगैरह में अक्सर काफी ज्यादा अतरंगी कार्स वगैरह को देखा होगा, लेकिन अगर बात कर जाए रियल लाइफ में उनकी पॉसिबिलिटी की तो वो भी अब धीमे धीमे पॉसिबल होने लगी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी ही ट्रांसफॉर्मिंग कार्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन होती हैं और साथ ही एक बेहतर टेक्नोलॉजी का नमूना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल न्यू टेक गैजेट पर, जहां पर मैं आपकी ढेर सारी गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले गैजेट की ओर, लैट्रॉन्स। दोस्तों आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी तो यकीनन देखी होगी और ये भी देखा होगा कि किस तरीके से कारें वहां पर अलग अलग रूप बदलती हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों बहुत ही जल्द ये भी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों BMW ने अभी हाल ही में तैयार की है एक ऐसी कार जो कि अपने शेप को पूरी तरीके से बदल सकती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर मूवी में कार जिस तरीके से अपने आप को चेंज करके एक रोबोट की शक्ल ले लेती थी, ये कार भी कुछ उसी तरीके से होगी। अगर बात करी जाए यहाँ पर इसके कंट्रोलिंग और फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कंट्रोल्स हाइड्रोलिक सिस्टम पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक इसका नेक पोर्शन भी दिया है जो पूरी तरीके से रोटेट होता है। और इस कार के सॉफ्टवेयर को इंटेल द्वारा कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये एक पूरी तरीके से रोबोट का काम कर सकती है। साथ ही इस कार में आपको रोबोटिक आर्म्स भी देखने को मिल जाएगी, जिसे कि आप आसानी से मूवमेंट करा सकते हैं। ये कार पूरी तरीके से रिमोटली ऑपरेटेड होती है, यानी कि इसके अंदर आपको ड्राइविंग सीट हालांकि देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है। तो दोस्तों हो सकता है आगे आने वाले समय में इस तरीके की कार में आपको कुछ और भी अपग्रेड्स देखने को मिल जाए और साथ ही इसमें एक ड्राइविंग सीट भी दे दी जाए जिसमें बैठ के आप सफर कर सकें। EO स्मार्ट कार बाई डिफ्की। दोस्तों अभी तक आपने काफी सारी ऐसी कार्स देखी होंगी जो कि साइज में बड़ी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी कार की एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पार्क कराने और जाम वगैरह से निकालने में बहुत ज्यादा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सारी सिचुएशंस को देखकर बनाया गया है एक ऐसी कार को जिसे कि आप किसी भी सिचुएशन में आसानी से ले जा सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होती है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही सीट होती है, लेकिन इसके फीचर्स आपको काफी ज्यादा मजेदार लगेंगे। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरीके की कार आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स होते हैं जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। इसका सबसे ज्यादा मजेदार फीचर है ये अपने ही एक्सेस पर रोटेट कर जाती है, यानी कि किसी भी कार को आपको मोड़ने के लिए एक लंबी चौड़ी रेडियस चाहिए होती है, लेकिन ये अपने ही एक्सेस पर रोटेट हो जाती है, जिसकी वजह से जाम जैसी सिचुएशन में आप आसानी से इसे मोड़ सकते हैं। साथ ही इसके सस्पेंशन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये 360 डिग्री पर रोटेट हो जाते हैं, जिससे कि पार्किंग वगैरह में भी काफी ज्यादा आसानी रहती है इसे ऑपरेट करने में। वहीं दोस्तों ये कार पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल मोटर्स पर चलती है, जिससे कि इसमें आपको एज अ फ्यूल पेट्रोल या डीजल नहीं डालना पड़ेगा, जो कि पॉल्यूशन को लेकर एक बहुत ही सटीक उपाय है। अगर बात करी जाए यहाँ पर इसकी स्पीड की, तो हालांकि वो थोड़ी सी कम होती है, पर पर्सनल यूज को देखते हुए एकदम परफेक्ट रहेगी आपके लिए। एरोमोबिल 3.0। दोस्तों अक्सर ऐसा हम लोग सुनते रहते हैं कि बहुत जल्द ऐसी कार्स भी आने वाली हैं जो कि हवा में उड़ पाएंगी, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए हम लोग को अक्सर ऐसा लगता है कि काश मेरे पास एक ऐसी गाड़ी होती जिसे हम जब चाहें जहां चाहें ले जा सकें हवा में उड़ाकर। तो दोस्तों वो दिन अब दूर नहीं जब आपको वाकई ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि सड़क पर दौड़ती हुई कारें हवा में भी उड़ेंगी। यकीनन ये सब कुछ होने वाला है। दोस्तों अगर बात करी जाए इस कार की, तो ये भी कुछ ऐसी ही है जो कि देखने में तो एक नॉर्मल कार होती है जो कि आसानी से रोड पर भी दौड़ लगा सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे हवा में उड़ाकर भी ले जा पाएंगे। दोस्तों इसमें टर्बोजेट इंजन लगा होता है, जिसकी मदद से इसे हवा में भी उड़ाया जा सकता है। साथ में इसमें पूरी तरीके से एक फ्लाइट कंट्रोल दे रखे होते हैं, जिससे कि नॉर्मल ड्राइवर अगर चाहे तो इसे एज अ प्लेन इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये थोड़े से लो एल्टीट्यूड पर उड़ती है, जिससे कि फ्यूल की बचत हो सके, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा फ्लाइट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हीलक्स ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों अगर बात हो अतरंगी गाड़ियों की, तो ये कार आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि देखने में तो ये एक नॉर्मल सी कार होती है, लेकिन अगर आप इसके फीचर्स को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आप इसकी सिंगल बटन पुश करके इसे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से ओपन हो जाती है। इसके सारे फिजिकल पार्ट से एक्सपेंड हो जाते हैं, जिससे कि ये देखने में बहुत ज्यादा अतरंगी सी लगती है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि ओपन होने के बाद भी ये पूरी तरीके से काम करती रहती है, यानी कि अगर आप इसे इसके बाद भी ड्राइव करना चाहते हैं तो भी आसानी से कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस तरीके की कार्स वहां पर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जहां रोड वगैरह ज्यादा खराब हो। आप इसका इस्तेमाल करके इस पूरी कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं और इसके पावरफुल इंजिनेशन सिस्टम से आसानी से उस रोड को क्रॉस किया जा सकता है। तो इस तरीके की कार बहुत ही अजीब सा आपको राइडिंग एक्सपीरियंस देती है, और साथ में इसकी हाइट होने की वजह से आप इसे किसी भी तरह की रोड पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बी एयर।
दोस्तों अगर आप कैंपिंग वगैरह करते हैं या कहीं घूमने के लिए दूर जाते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि कैंपिंग वगैरह में अक्सर ऐसा होता है कि हमें खुद का कैंप लगाना पड़ता है जो कि टाइम टेकिंग होता है और उतना ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं। और बात करी जाए किसी लॉन्ग रूट के सफर की तो वहां पर बीच बीच में आपको आराम करना पड़ता है, जहां पर आपको अपनी कार में ही आराम करना होगा या फिर आपको किसी होटल वगैरह को रेंट पर लेना पड़ेगा, जिससे बचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, जो कि आपके लिए एक मिनी होम की तरह काम करेगा। वहीं दोस्तों किसी भी तरीके के होटल को लेने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है इसका इस्तेमाल, क्योंकि यहां पर आपको वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो कि होटल्स वगैरह में नहीं मिलती हैं। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, बल्कि ये आपका पूरा एक छोटा सा घर होता है। यहां पर आपको किचन से लेकर बाथरूम जैसी हाईफाई फैसिलिटीज मिल जाती हैं, साथ ही ट्रांसफॉर्मिंग बेड और कॉफी टेबल्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर बात करी जाए तो इसमें छोटी छोटी कबर्ड्स वगैरह भी दी होती हैं, जहां पर आप अपने सामान वगैरह को रख सकते हैं, और साथ ही इसे पूरी तरीके से ह्यूमन कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसके लिए इसमें बहुत सारे आपको वेंटिलेशन सिस्टम भी दे रखे हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकेंगे। हालांकि इसमें इंजन नहीं होता है, यानी कि आपको इसे ड्रैग करना पड़ेगा किसी अदर व्हीकल से, जिसे कि आप अपनी आसानी से अपनी कार की मदद से भी कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हो या कैंपिंग करते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कम्फर्ट का मजा ही कुछ और होता है। क्लैसिन स्ट्रेच कार। दोस्तों अभी तक आपने काफी सारी ट्रांसफॉर्मिंग कार्स को देखा, हवा में उड़ने वाली गाड़ियों को भी देखा, लेकिन अगर बात करी जाए स्ट्रेचेबल कार की तो शायद ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। दरअसल ऐसा अक्सर होता है कि हम अगर कहीं जा रहे हो और साथ में बहुत सारे लोग हो साथ में जाने के लिए, तो कभी कभी थोड़ा सी जगह कम पड़ जाती है आपकी कार में। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर इस कार को बनाया है, जिसे आप स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं। अगर बात करी जाए इस कार के इंटीरियर की तो सबसे ज्यादा वो लाजवाब होता है, क्योंकि यहां पर आपको एकदम सीरियस फैसिलिटीज दी जाती हैं, यानी कि इसमें ट्रैवल करना किसी बिजनेस क्लास फ्लाइट से कम नहीं होता। इसमें बहुत सारे आपको ऐसे स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे कि जो कि जनरली आपको बिजनेस क्लास फ्लाइट में ही देखने को मिलते हैं। इस कार में काफी सारी छोटी छोटी वर्ड्रॉस वगैरह होती हैं, जो कि पूरी तरीके से डिजिटली कंट्रोल्ड रहती हैं, यानी कि आप इन्हें अपने मोबाइल फोन या टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही इस कार में आपको एक छोटी सी कॉफी मशीन और एक छोटा सा फ्रीजर भी मिलता है, जहां पर आप अपनी ड्रिंक्स को साथ में कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की कार वाकई लग्जरियस और ह्यूमन कंफर्ट का एक बेमिसाल नमूना है। तो दोस्तों इस तरीके की कार के लिए एक लाइक तो बनता है। वाइल्ड फेनिक। दोस्तों इस कार को देखकर आप वाकई थोड़ा सा हैरानी में रह जाएंगे, क्योंकि ये कार देखने में तो एक जिप्सी की तरह लगती है, लेकिन रियलिटी में ये एक मिनी होम होता है, जहां पर वो आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है जो कि एक घर में मिलती है। लेकिन इसकी खास बात ये नहीं होती, इसका सबसे ज्यादा मजेदार फीचर है इसका एक्सपेंड होना। ये सिर्फ 43 सेकंड में पूरी तरीके से एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि इसके सारे अटैचमेंट पूरी तरीके से खुल जाते हैं। और अगर बात करी जाए ये उतने ही समय में एक बार फिर से रीसेट हो जाती है, जिससे कि आप एक बार राइडिंग के लिए फिर तैयार हो सके। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बेडरूम मिल जाता है, साथ ही एक किचन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर फ्रिज और इंडक्शन जैसी सुविधाएं होती हैं। वहीं इसमें एक छोटी सी कॉफी टेबल भी दे रखी है, जहाँ पर बैठ के आप आराम से रिलैक्स फील कर सकेंगे। तो दोस्तों इस तरीके की कार काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है अगर आप लंबी लंबी ट्रिप्स पर कहीं जा रहे हो या कैंपिंग पर्पस भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम राइडर। दोस्तों इंडिया के अंदर ट्रैफिक की क्या उम्दा सिचुएशन है ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए एक ऐसी कार की जिसके लिए ट्रैफिक जैम कोई बड़ी बात ना हो, तो ये कार आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है, क्योंकि इसमें एक ऐसा फीचर दे रखा है जिससे कि ये जाम को मिनटों में पार कर लेगी। दोस्तों इसमें हाइड्रोलिक जैक्स लगी होती है, जिससे कि ये आसानी से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाती है और आप आसानी से इसे पूरी ट्रैफिक के ऊपर से निकाल कर ले जा सकते हैं। हालांकि देखने में ये सीन काफी ज्यादा मजेदार लगता है, लेकिन उतना ही ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि इस तरीके की कार की मदद से आप आसानी से टाइम पर अपने ऑफिस पहुंच पाएंगे और जाम आपके लिए मिनटों का खेल हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किट्स कॉस्ट्यूम। दोस्तों फाइनली अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी कार जिसको देखकर आप वाकई दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि इसके फीचर ही कुछ ऐसे हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने ट्रांसफार्मर मूवी तो देखी होगी, उसमें किस तरीके से कार से रूप बदल कर रोबोट बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अजीब होगा, क्योंकि यहाँ पर ये रूप बदल कर रोबोट नहीं बनेगी, बल्कि ये छोटे छोटे बच्चों की शक्लें ले लेंगी। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा कॉस्ट्यूम होता है जो कि कार की तरह देखने में लगता है, जिससे कि बच्चे इसका इस्तेमाल करके आसानी से लोगों को एंटरटेन कर सके। वहीं दोस्तों इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है स्कूल्स वगैरह में, जहां पर आप इस तरीके की फैंसी ड्रेस का इस्तेमाल करके लोगों को थोड़ा सा चौंका पाएंगे। तो इस तरीके के कॉस्ट्यूम के लिए एक लाइक तो बनता है।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई कुछ ऐसी कार्स जो कि एक बेहद शानदार टेक्नोलॉजी का नमूना रहती हैं। अगर बात करी जाए इनके कंफर्ट की तो उनसे बेहतर आपके लिए कोई अदर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।